एक पलायन करने वाले के मन की बात किसी कवि ने इन खूबसूरत लाइनों में कही है। कहते हैं, छांव की तलाश थी दोपहर को चुन बैठे, कुछ लोग गांवों को छोड़ शहर को चुन बैठे। अब कैद है घर की चार दीवारियों के भीतर, हवा छोड़कर आए हैं अब जहर को चुन बैठे। अब ना इधर की ठौर ना उधर का ठिकाना है, समंदर के राही किनारे छोड़ लहर को चुन बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं पारितोष जायसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से पलायन तथा छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति के बारे में। छत्तीसगढ़ में पलायन लंबे समय से एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या रही है। 15 सितंबर 2022 को समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित होती है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में छत्तीसगढ़ के कुछ मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार के चलते कुछ प्रशासनिक अमले को भेजा जा रहा है। हालांकि यह कोई पहली खबर नहीं थी, समय समय पर पलायन कर चुके मजदूरों को बंधुआ बनाए जाने की खबरें आती रहती हैं। महात्मा गांधी से लेकर अब्दुल कलाम सभी ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ ग्रामीणों को ही आत्मनिर्भर बनाना होता है। पलायन की सबसे स्याह परिणति बंधुआ मजदूरी के रूप में होती है। जांजगीर, महासमुंद, जशपुर आदि जिले इस पीड़ा से सबसे अधिक प्रभावित और इस तथ्य को प्रमाणित करने वाले हैं। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरिडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर की कन्वेनर निर्मल गोराना छत्तीसगढ़ के मजदूरों को छुड़वाकर घर भेजने का कार्य कर रहे हैं। निर्मल गोराना ने ही बड़गाम के मजदूरों की स्थिति सार्वजनिक की थी। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पलायन क्या है, बंधुआ मजदूरी क्या होती है, छत्तीसगढ़ से पलायन के प्रमुख कारण कौन से हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे पलायन रोकने के लिए किए जा रहे कौन से प्रयास हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति की उद्देशिका तथा इसके लक्ष्यों पर भी चर्चा करेंगे। जानेंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिबद्धताएं क्या हैं। प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र तथा जन भागीदारी सूचना पटल पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा जानेंगे कि क्या है प्रवासी श्रमिकों के अधिकार तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पलायन क्या है। पलायन एक बहुआयामी घटना है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास, जनशक्ति नियोजन, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। पलायन को छत्तीसगढ़ का पर्याय भी कहा जाता है क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लघु, सीमांत तथा भूमिहीन मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। एकल पलायन जिसमें परिवार का एक सदस्य ही पलायन करता है की तुलना में सब परिवार पलायन जिसमें पूरा परिवार पलायन करता है छत्तीसगढ़ में अधिक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ से पलायन कर दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर बनने की मजबूरी के पीछे के मूल कारणों को देखना होगा और उस कारण को दूर करने के उपाय भी ढूंढने होंगे ताकि हर साल लाखों की तादाद में जो मजदूर परिवार सहित पलायन करते हैं उस मानव संसाधन और उसके श्रम शक्ति का छत्तीसगढ़ में ही उपयोग कर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सके और उनके जीवन में भी खुशहाली लाई जा सके। आइए अब देखते हैं कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं। बंधुआ मजदूर प्रणाली उत्सादन अधिनियम 1976 के अनुसार बंधुआ मजदूरी जबरन या आंशिक रूप से मजबूर श्रम की एक प्रणाली है जिसमें एक देनदार लेनदार के साथ समझौते में प्रवेश करता है। इस समझौते के कारण निम्न परिणाम सामने आए हैं। पहला, बिना किसी वेतन या नाम मात्र की मजदूरी के एक निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट अवधि के लिए लेनदार को जो स्वयं या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा हो निर्विघ्न सेवाएं ली जाती हैं। दूसरा, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के अधिकार का त्याग सुनिश्चित हो जाता है। तीसरा, अपनी किसी भी संपत्ति या अपने श्रम के उत्पाद या अपने परिवार के किसी सदस्य या खुद पर निर्भर किसी व्यक्ति के श्रम को बाजार मूल्य पर बेचने के अधिकार का त्याग किया जाता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो छत्तीसगढ़ से पलायन को प्रोत्साहित करते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के 2011 की जनगणना के अनुसार एक परिवार के पास 0.27 हेक्टेयर खेती की जमीन है और एक मौसम में वे एक ही खेती कर पाते हैं। इसमें भी बारिश के ऊपर निर्भरता अधिक है। अगर अच्छी खेती हुई तो ठीक, नहीं तो घर चलाने के लिए प्रवास तो करना ही पड़ता है। दूसरा, पर्याप्त मजदूरी का अभाव। पलायन का मुख्य कारण मूल निवास में ग्रामीण को रोजगार प्राप्त न होना है।
यदि कहीं रोजगार उपलब्ध है भी तो ग्रामीण श्रमिकों के जीविकोपार्जन के दृष्टिकोण से वे अपर्याप्त हैं। इन कारणों के फलस्वरूप श्रमिक मूल निवास पर संघर्ष करते रहने की अपेक्षा वहां से पलायन कर जाने को बेहतर विकल्प समझते हैं। तीसरा, भ्रमण करने का शौक। बहुत कम मात्रा में ही सही, परंतु कुछ ग्रामीणों के द्वारा अन्य पलायनकर्ताओं के व्यवहार से प्रभावित होकर बड़े शहरों में घूमने के लिए भी पलायन किया जाता है। इनमें से अधिकांश पलायन की पुनरावृत्ति करते हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की निरंतरता बनी रह जाती है। चौथा, प्राकृतिक आपदा का प्रभाव। छत्तीसगढ़ में कृषि मानसून प्रभावित है। मानसून के असामान्य होने पर बाढ़ या सूखा आदि की स्थिति में कृषि एवं कृषि कार्य का भी असामान्य दशा में आ जाना सुनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में दो अवस्थाएं जन्म लेती हैं, कृषकों का फसल नष्ट होना तथा कृषि श्रमिकों को रोजगार न मिलना। ये दोनों ही परिस्थितियां पलायन के लिए उत्प्रेरण का काम करती हैं। पांचवा, नक्सल समस्या। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति मार्च निकाल चुके शुभ्रांशु चौधरी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी नक्सली गतिविधियों के चलते हजारों की संख्या में पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में जा बसते हैं। छठवां, सामाजिक कारण। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा एवं सामाजिक भेदभाव आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित है। पलायनकर्ता स्वीकार करते हैं कि जातिगत भेदभाव एवं सामाजिक व्यवस्था की बुराइयों ने उन्हें पलायन करने के लिए विवश किया है। सातवां, प्रोफेसर अमृत सेन का मत। प्रोफेसर अमृत सेन ने लिखा है कि यदि हम छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के पलायन के चरित्र पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के श्रमिक सामान्य वर्षा के सालों में भी पलायन के लिए बाध्य हैं, जिनके कारणों में प्रमुख हैं। पहला, स्थानीय किसानों का तेजी से भूमिहीन या सीमांत कृषक होना। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तीसरा, आदिवासी क्षेत्रों में वनीकरण के काम पर स्थानियों को ना लगाना। चौथा, सरकारी अधिकारियों का स्थानीय जनता के प्रति हेय भाव होना। पांचवा, पंचायती राज के नाम पर भ्रष्ट नेताओं द्वारा उपेक्षा किया जाना। आठवां, रोजगार और मौलिक सुविधाओं का अभाव। गांवों में कृषि भूमि का लगातार कम होते जाना, जनसंख्या बढ़ना और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों और नगरों की तरफ जाना पड़ता है। गांवों में मौलिक आवश्यकताओं की कमी भी पलायन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। नौवां, शिक्षा और साक्षरता का अभाव। शिक्षा और साक्षरता का अभाव पाया जाना ग्रामीण जीवन का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। सक्षम ग्रामीण माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। दसवां, नगरीय चकाचौंध। जहां गांव में विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, मौसमी बेरोजगारी, जाति और परंपरा पर आधारित सामाजिक रूढ़ियां, अनुपयोगी होती भूमि इत्यादि कारणों ने न सिर्फ लोगों को बाहर भेजने की प्रेरणा दी, वहीं शहरी चकाचौंध सुविधाओं, रोजगार तथा मनोरंजन के नए अवसरों ने आकर्षित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति की उद्देशिका तथा प्रस्तावना क्या कहती है। पहला, अंतरराज्य सहयोग से राज्य एवं राज्य के बाहर कार्य स्थल पर भयमुक्त वातावरण तैयार करना ताकि श्रमिक सम्मानजनक स्थिति में कार्य कर सके। दूसरा, प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक हकदारियों व अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूर्व से संचालित व्यवस्थाओं में सरलता लाना। तीसरा, समता और समानता के मूल्यों पर राज्य के प्रत्येक श्रमिक की क्षमता विकास, रोजगार तथा अन्य लाभों के अवसर उपलब्ध कराना। चौथा, प्रवासी श्रमिकों की जानकारी एवं सूचनाओं का प्रबंधन सुदृढ़ करना ताकि आपातकालीन स्थिति में आपदा प्रबंधन की कार्य योजना निर्माण में आसानी हो। पांचवा, छत्तीसगढ़ के विकास में प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाना तथा उनकी भागीदारी से प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा की रणनीति का निर्माण करना। आइए अब देखते हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित की गई हैं। पहला, प्रवासी श्रमिकों की जागरूकता एवं दक्षता विकास करना ताकि वे रोजगार के बेहतर अवसर से अधिक आय प्राप्त कर सकें। दूसरा, श्रमिक अपनी क्षमता और दक्षता के अनुरूप भारत के किसी भी राज्य में श्रम कर पाए, ऐसी सहयोगी तथा परामर्श की व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी विकसित करना। तीसरा, कार्य स्थल या गंतव्य राज्यों में श्रमिकों के लिए भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समय पर भुगतान एवं सामाजिक हितों को सुरक्षित रखना।
चौथा, आकस्मिक परिस्थिति में श्रमिक अपने राज्य में आसानी से संपर्क कर सके तथा सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित करना। पांचवा, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों, बच्चों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। छठवां, कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराना। सातवां, दूसरे राज्यों के श्रमिक जो कि छत्तीसगढ़ में मजदूरी करते हैं उनको भी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के बराबर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। आइए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति के कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, प्रवासी श्रमिकों के पहचान पत्र, श्रमिक पंजीयक, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की उपलब्धता का परीक्षण करना। दूसरा, पंजीकृत समस्त प्रवासी मजदूरों के लिए पात्रता के आधार पर राज्य और राज्य के बाहर शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभ उपलब्ध करवाना। तीसरा, प्रवासी श्रमिकों के गंतव्य कार्य स्थलों या क्षेत्रों की पहचान करना तथा संबंधित राज्यों के साथ श्रमिकों के हकों की रक्षा करना। चौथा, सर्वेक्षित डाटा के आधार पर श्रमिकों की जाति, वर्ग, लिंग, आय, दक्षता, पलायन की प्रकृति आदि की स्थिति का विश्लेषण कर समस्या के समाधान हेतु साक्ष्य आधारित कार्य योजना तैयार करना। पांचवा, वापसी हुए प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण के साथ साथ राज्य में निवासरत अन्य श्रमिक जो कि संभावित प्रवासी श्रमिक हो सकते हैं उनका भी सर्वेक्षण तथा विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना। छठवा, छत्तीसगढ़ राज्य में घर वापसी हुए सभी श्रमिकों की स्किल मैपिंग, नियोक्ता, नियोजन, आय, प्रवास के स्वरूप, दिक्कतें तथा हकों का सर्वेक्षण एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना तथा इस डेटा का नियमित अद्यतीकरण करना। आइए अब देखते हैं कि नीति के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र क्या है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए विकासखंड या जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से निम्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पहला, लोक सेवा केंद्र, च्वाइस सेंटर तथा सामान्य सेवा केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि श्रमिकों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। दूसरा, अपराध की स्थिति में पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना। तीसरा, प्रवासी मजदूरों को कानूनी सलाह प्रदान करना तथा विधिक सेवा प्राधिकरण से लिंक करना। चौथा, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी ठेकेदार, निजी उत्पादक तथा सेवादाताओं के साथ परामर्श करना ताकि वे प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता प्रदान करें। पांचवा, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों, भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें प्रवासी मजदूरों को नियोजित किया जा सके। छठवां, प्रवासी मजदूरों को सामाजिक हक, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए विभागों के साथ मिलकर कार्य करना। सातवां, श्रमिकों की जानकारी पोर्टल में अद्यतन करना तथा आठवां, पंजीयन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र के प्रमुख कार्यों में से हैं। आइए अब देखते हैं कि जन भागीदारी सूचना पटल क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जन भागीदारी श्रमिक सूचना पटल नामक एक नागरिक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसमें निम्नलिखित जानकारियां दी जा रही हैं। पहला, विभिन्न अधिनियमों जैसे संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1989, बंधन श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के अंतर्गत समस्त नियोजक एवं ठेकेदारों के पंजीयन की जानकारी। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण का डाटा, प्रतिवेदन, श्रम पंजीयन, पलायन पंजी एवं डिजिटल श्रम कार्ड की जानकारी। तीसरा, श्रम पंजीयन के बाद प्राप्त हो सकने वाले लाभों का विवरण। चौथा, हेल्पलाइन के कॉल, शिकायतों एवं निराकरण से संबंधित विवरण। पांचवा, गर्भवती श्रमिक महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, विधवाओं, एकल महिलाओं आदि का सामान्य विवरण संधारित किया जाना। छठवां, इस वेब पोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के लिए गंतव्य स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं की निगरानी करना। सातवां, ठेकेदार की प्रोफाइल, ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों का विवरण आदि तथा आठवां, हेल्पलाइन के कॉल, शिकायतों एवं निराकरण से संबंधित विवरण भी नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कि प्रवासी श्रमिकों के कौन से अधिकार होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के रूप में उन्हें जीवन जीने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिक प्रवासी श्रमिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता है। छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति 2020 के तहत
प्रवासी श्रमिकों के निम्न अधिकारों की बात कही गई है। पहला, व्यक्ति अपनी योग्यता और अवसरों के अनुसार राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर कार्य करने को स्वतंत्र है। दूसरा, स्थायी निवास पर आधारित या मूल राज्य में तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर दूसरे राज्यों में भी केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभ पाने का हकदार है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ उन्हें यथावत मिलता रहेगा, चाहे उनका प्रवास राज्य के भीतर हो या बाहर। चौथा, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1989, बंधन श्रम पद्धति उत्सादन एवं समाप्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत किए गए समस्त प्रावधानों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि पलायन रोकने के लिए किए जा रहे कौन से प्रयास हैं। पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि शहरों को गांवों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। उनकी इस कथन के पीछे यह कटु सत्य छिपा है कि गांवों में शहरों की तुलना में 5% आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। रोजगार और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की कमी के अलावा गांवों में बिजली, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा, सड़क, संचार जैसी सुविधाएं या तो होती ही नहीं, यदि होती भी है तो बहुत कम। गांवों से पलायन को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। पहला, समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना। ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों को विशेष रियायत दी जानी चाहिए। पंचायतों में अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण भी लोग राजनीतिक कार्यों से विमुक्त होकर अपनी आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, अतः इसका उचित समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना। लोक कल्याण करने तथा ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए सरकारों द्वारा योजना तो बनाई जाती है, लेकिन ये योजनाएं भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा हथियाली जाती हैं, जिससे उनका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। भीलवाड़ा में पहली बार सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए ऐसे प्रावधान अपनाए जा सकते हैं। तीसरा, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार सुविधा केंद्र। मजदूरों तथा अन्य बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण की सुविधा तथा प्रशिक्षण केंद्र गांवों में खोले जाने चाहिए। रोजगार के वैकल्पिक साधनों अत्यथा बुनाई, हथकरघा, कुटीर उद्योग, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह, सामूहिक रोजगार प्रशिक्षण मजदूरों को शीघ्र मजदूरी तथा उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। चौथा, मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गांवों की दशा में सुधार लाने के लिए 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए शिक्षा के अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के प्रकाश फैलने के बाद जहां एक ओर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार, भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों में भी कमी आ सकेगी। पांचवा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सर्वप्रथम गांवों में रोजगार के अवसर निरंतरता के साथ उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही अपनी जीवन शैली भी सुधार सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम से ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर तो पैदा हुए ही, साथ ही ग्रामीण पलायन को रोकने में भी मदद मिली। छठवां, कृषि में उद्यमिता विकास के प्रयास। कृषि में उद्यमिता के विकास के कारण सामान्य कृषक उत्पादक से उद्यमी बन जाता है। कृषि उद्यमिता के लिए आवश्यक बुनियादी सेवाओं के विकास से ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में तेजी और मजबूती आना स्वाभाविक है। उद्यमिता विकास के साथ ही जहां एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहीं ग्रामीण पलायन रोकने में भी मददगार साबित होगी। सातवां, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित करना। रोजगार संपन्नता को बढ़ाने तथा ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुविचारित नीतियों, सहायक नवोन्मेषों, स्टार्टअप संस्थाओं को प्रोत्साहन और डिजिटलीकरण के जरिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण के माध्यम से गांवों में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं,
जो निश्चित तौर पर पलायन रोकने में मददगार साबित होंगे। आठवां, जल संरक्षण को सुनिश्चित करके। पानी के संकट से महिला और पुरुष समान नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। पानी और स्वच्छता की कमी महिलाओं में गरीबी का दुष्चक्र पैदा कर देती है, जबकि पानी की उपलब्धता की स्थिति में महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर पुरुषों के साथ अनेक कार्यों में उनका हाथ बटाना शुरू कर देती हैं। जल की समस्या का निदान करके न केवल कृषि जैसे दिखने वाली समस्या को दूर किया जा सकता है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, पुरुषों के रोजगार की समस्या तथा सामाजिक ताने बाने को भी सुदृढ़ करते हुए पलायन को रोका जा सकता है। नौवां, ग्रामीण संपर्क अधोसंरचना में वृद्धि। गांव अब पलायन और बेरोजगारी का नहीं बल्कि नवाचार और खुशहाली का प्रतीक बनना चाहते हैं। शहरी सुविधाओं को गांवों तक लाने के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तक लाने की जरूरत है। ग्रामीण संपर्क अधोसंरचना से न सिर्फ गांवों का विकास होगा बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के आकांक्षी ग्रामीणों का पलायन रुकना भी सुनिश्चित किया जा सकता है। दसवां, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। ग्रामीण पर्यटन केवल रोजगार और आमदनी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि संस्कृति और सामाजिक विकास का भी एक सशक्त माध्यम है। ग्रामीण पर्यटन विकास से ग्रामीण जन समुदाय अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ लुप्त हो रही ग्रामीण कला विधाओं को भी पुनर्जीवित कर सकता है। निश्चित है यह पलायन रोकने में मददगार साबित होंगे। ग्यारहवां, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास करना। ग्रामीण पलायन का एक प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना का ना पहुंच पाना भी है। विद्युत की सुनिश्चितता से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। बारहवां, गांव को उत्पादन का केंद्र बनाना। IAS कॉन्क्लेव 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गांव से पलायन रोकने के लिए गांव को उत्पादन का केंद्र बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए गांव में सारी सुविधाएं दिए जाने की बात कही ताकि गांव आर्थिक रूप से मजबूत हों और गांवों से शहरों की ओर पलायन में अंकुश लगाया जा सके। आइए अब देखते हैं कि पलायन के कौन से प्रभाव होते हैं। पहला, स्थानीय कला एवं संस्कृति का हास। कला संस्कृति के साथ स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि का हास भी पलायन के कारण निश्चित हो जाता है। दूसरा, आर्थिक विघटन। पलायनवादियों की मौलिक समस्या रोजगार प्राप्त करने की होती है। रोजगार न मिलने से उनके सामने भयंकर आर्थिक परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप चोरी, लूट आदि अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, सुविधाओं से वंचन। श्रमिकों को दो प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, किंतु ये सुविधाएं उन्हीं श्रमिकों को प्राप्त होती हैं जो एक निश्चित समय तक कार्य करते हैं, जबकि पलायनकर्ता समय दर समय अपने मूल स्थान को छोड़ते रहते हैं। चौथा, श्रम संघों के विकास में बाधा। पलायन का एक परिणाम यह होता है कि श्रमिक स्थायी तौर पर एक स्थान पर नहीं रह पाते हैं। इससे वे श्रम संघों की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा श्रम संघों के माध्यम से मिलने वाली सारी सुविधाओं से वे वंचित हो जाते हैं। पांचवा, अस्थिर जीवन। पलायन का अनिवार्य तथा सबसे प्रभावी परिणाम यह होता है कि इससे श्रमिकों का जीवन अस्थिर हो जाता है। शहर, गांव, उद्योग, कृषि के अंतर में फंसता व्यक्ति अपने को हमेशा अनिश्चित परिस्थिति में ही पाता है। फलस्वरूप उसका व्यक्तिगत और पारंपरिक जीवन अत्यंत ही अस्थिर हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि ग्रामीण पलायन को रोकने में मनरेगा की क्या भूमिका रही है। ग्रामीण विकास तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से लाया गया मनरेगा छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से लागू है, जब इसे पहली बार राजनांदगांव जिले के अर्जुनी ग्राम से शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में इसे 3 चरणों में लागू किया गया है। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा इन 11 जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण यानी 1 अप्रैल 2007 को रायपुर, जांजगीर, कोरबा और महासमुंद को शामिल किया गया। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से दुर्ग जिले को भी शामिल कर लिया गया। पिछले 17 सालों से मनरेगा ग्रामीणों की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। 2006 से 2022 के 16 वर्षों में 25,463 करोड़ रुपए, 105 करोड़ मानव दिवसों के लिए दिए गए हैं। कोरोना काल में 2021 में 30,06,000 परिवारों के 60 लाख श्रमिकों को काम मिला था, जिनसे उन्हें 3,943 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ।
हाल ही में 1 अप्रैल 2022 से मनरेगा की पारिश्रमिक दर 204 रुपए कर दी गई है। सन 2000 में आई छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइया का टाइटल सॉन्ग ही पलायन की विवशता के साथ पलायन को न चुनने का आह्वान करता है। सरकारी नीतियों से आज छत्तीसगढ़ में विकास, रोजगार के नए अवसर, उद्यमिता के नए प्रयासों के साथ नवाचारों के द्वार भी खुल रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना शुरू की जा चुकी है। राजीव गांधी मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, तेंदुपत्ता तथा धान पर अतिरिक्त बोनस आदि ने ग्रामीणों की आर्थिक समस्या को एक सीमा तक तो हल कर ही दिया है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि जैसी सामाजिक अधोसंरचनाओं को ग्रामीण स्तर तक ले जाना ही पलायन रोकने में सक्षम होगा। पूरा की अवधारणा हो या गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा, ग्रामीण जनों में आत्मविश्वास तथा नवाचारों के पूर्व शर्तों को पीछे रखकर नहीं की जा सकती। परंतु ध्यान रखना होगा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा एक सुंदर और समतामूलक ग्रामीण समाज के निर्माण से ही सुनिश्चित हो सकता है। धन्यवाद।